फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें? नहीं। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इन अनभक्तों के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और गौमूत्र पीने से हजारों बीमारियाँ ठीक होती है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं, ऐसे इन अनभक्तों का कहना है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खाने की बात छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम दिवाकर चौहान है। दिवाकर जी बताइए, कल कोई, मैं मछली पालता हूँ, कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फुआ है। भारत में गोवा का नाम सुने हो? क्या गोवा? गोवा, भारत में गोवा। केरल का नाम सुने हो? हाँ। वहाँ सब लोग गाय खाते हैं? हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। तो ये क्या बात जो है? ये गलत है, ये गलत है। ये बता ना, एक बता ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है? नहीं, सबकी है। जय श्री राम बोलो तो जय श्री राम बोलने में फटती है सबकी। मतलब क्या हुआ जय श्री राम? क्यों मतलब? कोई हल्ला अकबर ही बोल सकता है, कोई जीजस ही बोल सकता है। जो कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते, क्यों छोड़ते? माँ बाप बुजुर्ग बता। अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे है? यही तो समझा रहा हूँ। गाय में सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय बेच लूंगा बाद में मेरा मन होगा तो। कितनी गाय है? गौमूत्र दिखाना आपको है, लेके चलूंगा अभी। क्या गौमूत्र? हाँ वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। गौमूत्र फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें। शाबाश बेटा, ये एक घर में एक गौ माता रखो, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है, देसी गौ माता। तो आप कितना गौमूत्र का आप सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैग लेते हैं हम। आपको लगता है कि मतलब गौमूत्र के सेवन से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। अरे तो फायदा बताओगे जो किसान गाय पालता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाय बुरी हो जाती है, बेच देता है। तो आप लोग दूध नहीं मूत्र का सेवन करते हो? करते हैं, सेवन करना चाहिए, रोग भी हटते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।